आंखों में काला चश्मा, सिर पे टोपी, मुंह पे मास्क, शरीर पे जैकेट देख के आप कन्फ्यूजा गए हैं। ये आप अगर कन्फ्यूजा गए हैं तो आप कान में घी डाल के सुनिए। हम जो है ना, हमर रविन जी, हम परदेसी है। और अभी दोपहर अभी कितने बजे है रविन जी बताइए हमें? 12 बजे। अभी 12 बज गए हैं और 12 बजे आप देखिए किधर है सूरज दादा, किधर है रे? देखिए कितना बड़ा हुआ सूरज ऊपर आया है सिर पे। और ये गर्मी में हम जा रहे हैं काम पे, ड्यूटी। देखिए एक भी आपको आदमी दिख रहा है चलते हुए? एक भी आदमी आपको नहीं दिखेगा। पर हम दो गरीब आदमी हम जा रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं जो घर पे बैठ के सोचते हैं ना, विदेश में है और रियाल कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कैसा होता है परदेश। दोपहर के 12 बजे हमको काम पे जाने पड़ता है ना, चल रहा है ना मेरा ये। देखिए हम, और आप बोलते हैं विदेश में होके भी काला होके आया है। अरे भूतिए, जब तुम घाम पे चलोगे दोपहर के 12 बजे तब कालवा नहीं होगे तो क्या होगे? इसके लिए आप कभी भी जो भी विदेश में है ना, उसे मत कहिए कि तू पैसा नहीं भेजता है, तू काला हो गया है। अरे हमारा कष्ट, इधर जूता देखिए फट गया है, इधर जूता, वो जूता पहन के हम जा रहे हैं अभी काज में। और आप बोलते हैं हम विदेश में है, पैसा कमा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो आओ तुम भी मजा करो बोल के गीत है ना, वो कान में एयरफोन ला के सुनिए। और जो विदेश में है उसको सकते हैं तो आप साथ दीजिए, नहीं है तो उसको कुछ नहीं कीजिए। ये देखिए गर्म हवा, ओ हो, 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हम कह दिए रहे हैं और हम सरकार को कहना चाहते हैं कुछ नीति बनाओ, कुछ अच्छा नीति बनाओ। जब तुम अच्छा नीति बनाओगे तो हम जैसे युवा अपने देश में काज कर पाएंगे, काम पर कर पाएंगे। ठीक है, चलो रखते हैं।